हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपुत्र, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की, कि अगर आप पेटीएम में आपका अकाउंट यहां पर ओपन है तो आपको किसी और डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर पेटीएम से भी यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी मिनिमम 21 रुपीज से 21 रुपए से भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेली SIP कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ओपन करने के बाद आप यहां पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है। देख सकते हैं कि वेल्थ एंड इंश्योरेंस में आपको यहां पर ऑप्शंस मिल जाता है इन्वेस्ट ₹21 पर डे। देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आपका खुल के आ जाएगा। अब यहां पर दिया हुआ है डेली SIP इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन 3 इजी स्टेप्स। तो आपको क्या करना है कि सिलेक्ट अमाउंट एंड फंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि मिनिमम 21 रुपीज से आप कर सकते हैं, और यहां पर 21 का प्लान है, 51 का है, 101 का है, 201 का है, 501 का है और 1001 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिनिमम 21 रुपए से भी आप कर सकते हैं। और फिर आपको फंड सेलेक्ट करने के बाद आपको KYC कंप्लीट करनी होगी और बैंक आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर डेली का 21 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रुपए मिलेगा 21 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, 30 साल में। अगर आप यहाँ पर 51 रुपए डेली इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 51 लाख रुपीज मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 101 रुपए डेली SIP करते हैं तो आपको 30 साल में 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ये एज्यूम करके चलते हैं कि 12.5 का आपको पर ईयर आपको परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बल्कि आपको जो रिटर्न है वो आपको और ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपका जो वेल्थ होगा वो और ज्यादा भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि 12.5% का तो आपको मिलेगा ही लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 101 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको 21 रुपए करते हैं तो 21 लाख रुपए यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है 21 रुपीज, ठीक है। मैं 21 रुपीज से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको यहाँ पर 51 या 101 या जितना भी करना चाहते हो उतना कर सकते हैं। मैं 21 सेलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो फंड है वो आपका है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ग्रोथ। इस फंड के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ वी फंड डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो इस फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है सिंस रिटर्न, मतलब कि आपका जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने पर ईयर 21.40% का रिटर्न दिया हुआ है। जबकि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया हुआ है कि 21 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 21 लाख, तो ये हम लोगों ने किया हुआ था 12.5% के हिसाब से, कि अगर आपको हर साल 12.5% का रिटर्न मिलता है तो आपको यहाँ पर 21 लाख रुपए मिलेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो रिटर्न है 21.40% है, तो काफी अच्छा रिटर्न है। फंड साइज की बात करें तो देख सकते हैं कि 36,843 करोड़ का ये फंड साइज है। और यहाँ पर आप प्लान टाइप देख सकते हैं तो ये क्या है, आपका रेगुलर ग्रोथ प्लान है। और यहाँ पर NAV की बात करें, नेट एसेट वैल्यू, जैसे कि हमारा जो फंड है वो कितना है, 36,000 करोड़ का है, तो इसका जो यूनिट प्राइस होता है उसको बोलते हैं NAV, जिसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है 652 रुपए है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 1.51% है। और रिस्क मीटर की बात करें तो जितने भी आपके म्यूचुअल फंड होते हैं वो वेरी हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं वो हाई रिस्क में आते हैं, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है आपका इक्विटी फंड में, इक्विटी स्टॉक्स में होता है, ठीक है। और वो आपका मार्केट अप डाउन करता है, इसलिए ये वेरी हाई रिस्क का होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है ये क्या है, नो लॉक इन पीरियड है, मतलब कि आपने आज इन्वेस्ट किया, आपको यूनिट अलॉट हो गई, तो आप जब भी चाहे उसको रिडीम कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जिट लोड दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे दिया हुआ सेलेक्ट योर डेली SIP अमाउंट, इस पर मैं नीचे क्लिक करता हूँ, 21 रुपए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्ट डेली SIP ऑफ 21, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पैन नंबर फिल करना है, तो मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर फिल कर देता हूँ। सो गाइस, हमारा जो पैन नंबर है वो मैंने फिल कर दिया। नीचे कंफर्म पैन डिटेल्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमको ईमेल आईडी फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन, और यहाँ पर आपका एनुअल इनकम, और यहाँ पर स्टेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिएगा। और नीचे सबमिट डिटेल्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर दिया है। अब ये दिया हुआ है इतना, ये हमारा डिटेल्स आ चुका है, वेरीफाई योर ऑर्डर। अब दिया हुआ है ऑन मैंडेट सेटअप स्क्रीन प्लीज सिलेक्ट ए बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड इन योर नेम टू सेट एनी UPI ऑटो पे। अब क्या है दोस्तों कि ये 21 रुपए का हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे बैंक से डेली 21 रुपए कट जाएगा और इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ऑटो पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैंडेट करना होगा, तो मैं नीचे वेरीफाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हमको एक OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे, तो हमको ये OTP फिल कर देना है। तो दोस्तों हमने OTP यहाँ पर फिल कर दिया है। सो गाइस,
गाइस यहाँ पर 21 रुपये का आया हुआ है, तो नीचे मेरा बैंक अकाउंट सिलेक्टेड है तो मैं इसी से कर देता हूँ। दोस्तों जिस नाम से आपका पेटीएम है और उसी नाम से आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, सेम बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि आपका ही होना चाहिए, किसी दूसरे का लिंक नहीं कर पाएंगे। तो मैं सेटअप ऑटोमेटिक पर मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो अपना 4 डिजिट का पिन है UPI वो फिल कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमको यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि हमारे बैंक से 21 रुपए अभी कट चुका है और यहाँ पर जो मैंडेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी अपडेट में टाइम लगा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर मैसेज आ चुका है। चलिए मैं आपको, सो गाइस यहाँ पर हमारा जो ऑटोमेटिक पेमेंट मैंडेट है वो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। देख सकते हैं कि 21 रुपए का हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये लिखा हुआ है, मनी विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th मई। आज है 9th मई, तो यहाँ पर 10th मई से यहाँ पर डिडक्ट होना चालू हो जाएगा और यहाँ पर हमारा इन्वेस्ट होना चालू हो जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर जो ऑटोमेटिक पेमेंट है उसको पॉज करना चाहते हैं तो नीचे पॉज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उसको पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अपना, अब दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से जाऊंगा और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा इन्वेस्ट ₹21 पर डे पर, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये लिख के आ रहा है कि योर फर्स्ट ऑर्डर इज प्लेस्ड, तो हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड हो चुका है और जो हमारी SIP है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है योर SIP डिटेल्स, ठीक है। तो व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर पेटीएम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेली आपका SIP करना चाहते हैं, तो मिनिमम 21 रुपए से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों और मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, मैं सभी की रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।